एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के फैंटेसी प्रीव्यू में। मुकाबला एलएसजी बनाम पीबीकेएस। नहीं है, एरर नहीं है आपके स्क्रीन पे। पहले मैं आपको टीम दिखा रहा हूँ आज। कुछ अब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं कि किसको लेना है बाकी के स्लॉट्स में। डिकॉक, पुरान, स्टॉयनेस, बेस्टो, कुछ अच्छी चॉइसेस है यहाँ पे। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे के प्रीव्यू में। एंड जो फाइनल टीम है वो आपको मिलेगी ऑन टेलीग्राम, तो वहां जुड़ना मत भूलेगा, @FantasyCricPro। अब चलते हैं आज के प्रीव्यू की तरफ एंड समझते हैं कि जो बाकी के मिसिंग स्लॉट्स है उनमें हम किन प्लेयर्स को। तो एलएसजी बनाम पीबीकेएस का ये प्रीव्यू एंड खेला जाएगा @एकान्ना स्टेडियम इन लखनऊ। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई इस पिच के ऊपर, क्या होगा इस ग्राउंड पे, बट इस साल थोड़ा सा बदलाव है। वर्ल्ड कप में हमने देखा पिचेस काफी बेहतर थी, तो समझेंगे वर्ल्ड कप में क्या बिहेवियर था पिचेस का एंड वही हिसाब से भरेंगे हम अपने वो मिसिंग स्लॉट्स। मेरा विन प्रिडिक्शन इस गेम में लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ। काफी स्ट्रांग टीम है इनकी एंड मुझे लग रहा है जिस तरीके का बैटिंग फायर पावर ये पोजेस करती है बेटर कर सकती हैं इस मुकाबले में। मिनी जीएल्स के साथ ही स्टिक करेंगे जब तक हमारे नॉर्मल सी रिज्यूम हो इन टर्म्स ऑफ लीग्स एंड स्मॉल लीग्स। और 9 मार्च 11 एक बहुत बड़ा गिव अवे, तो जो भी स्मॉल लीग्स खेल रहा है बिल्कुल वहां खेलेगा ताकि आप वहाँ कमीशन भी बचा पाए। एक्सचेंज 22 पे लीडर बोर्ड चल रहा है, बहुत बड़ी काज है। ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको ₹100 मिल जाएगा डायरेक्टली ऑन साइन अप, सो डोंट फॉरगेट टू साइन अप। एंड एक्सचेंज 22 पे क्या करना होता है, यू टू सिंपली बाय और सेल प्लेयर्स, तो अच्छा मौका है आपके लिए, डोंट मिस आउट, क्योंकि यहाँ पे ना है TDS ना है GST। अब चलते हैं वेदर रिपोर्ट की तरफ। क्लियर सनी वेदर फॉर दिस गेम, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी भी हो सकती है इस मुकाबले में ऐसा कहना है, बट उसके अलावा शुड बी अ गुड वन। थोड़ा 10-15% चांस है रेन का, मैंने अभी वहां मेंशन नहीं किया है, बट काफी कम चांस है इनकेस हो गया इट वुड बी अ सरप्राइज। अब चलते हैं आज के वेदर रिपोर्ट की तरफ। तो वेदर रिपोर्ट की बात की जाए, पिचेस यहाँ राधा पिच रिपोर्ट की बात की जाए, तो पिच जो यहाँ पे यूज हुई थी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका वाले गेम में काफी अच्छी लगी फॉर बैटिंग। एक जो ट्रिकी फेस था कि अंडर लाइट जब सेकेंड इनिंग शुरू हुई तब थोड़ी सी वहां पे मूवमेंट थी, यानी याद रखिए कि ODI में 2 न्यू बॉल्स होती थी। अब यहाँ पे क्या होगा, एक ही न्यू बॉल होगी एंड सेकेंड इनिंग्स टिपिकली ODI वर्ल्ड कप में अराउंड 6:37 शुरू होता था, यहाँ पे 8 बजे मैच शुरू होगा। तो इंटरेस्टिंग होगा टू सी कि क्या वही ट्रेंड देखा जाएगा या नहीं। ये हमने देखा था लखनऊ में एंड मुंबई में, तो लेट सी अगर वो चीज होती है कि नहीं, मे बी थोड़ी सी मूवमेंट हम स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बैलेंस पिच, ऐसी पिच नहीं कहूंगा कि 220-210 बन जाएंगे, पर डेफिनेटली 160-170 वाली पिच यहाँ पे अब हम अज्यूम करके चल सकते हैं। एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात की जाए तो फॉर PBKS शिखर धवन, जॉनी बेस्टो, प्रभसिमरन सिंह, अथर्व तरडे, नहीं यहाँ पे हरप्रीत ब्रार, वो चेंज करना मिस हो गया। ऑफकोर्स नीचे आएंगे हरप्रीत ब्रार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, सैम करन, हर्षल पटेल, राहुल चेर, कगिस रबाडा एंड अस्टीप सिंह। फॉर LSG KL राहुल, QDK देवदत्त पाडिकल, आयुष पदोनी, निकलस पुरान, मार्कस टॉयनेस, कृणाल पांड्या, रवि बिश्नोई, मोहसिन खान, नवीन उल हक एंड यश ठाकुर। अब याद रखिए अगर यहाँ पे एक और स्पिनर स्लॉट इन हो जाते हैं तो ये आपके लिए एक डायरेक्ट इंडिकेशन होगा कि यहाँ पे टर्न हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उस बात की। तो इस बात को जरूर मन में रखिएगा कि अगर ये दोनों टीम्स एक्स्ट्रा स्पिनर्स लेके आती है तो वो उस बात का साइन होगा कि यहाँ पे टर्न पॉसिबिलिटी है। इन्वेस्टमेंट लीडर बोर्ड चल रहा है 9 मार्च 11, सो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। कुछ टॉप प्राइजेस है यहाँ पे, मर्सिडीज जी, बहुत सारी गाड़ियां, PS5, iPhone, इतने सारे प्राइजेस एंड कमीशन भी कम देन योर लीडिंग एप्स, तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट। अब चलते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ एंड समझते हैं हर प्लेयर के इन डिटेल नंबर्स एंड साथ साथ में क्या है उनका इनिंग वाइज, पिच वाइज एंड फॉर्म। तो क्विंटन डिकॉक लास्ट 5 गेम से कुछ भी इन्होंने वर्थ नोटिस नहीं किया है एंड वर्सेस PBKS नंबर्स कुछ खास नहीं। यहाँ पे 11 मैचेस 369 रन एवरेज है 36 का एंड एट लखनऊ इन T20 एक मैच में 16 रन, सो नथिंग टू टॉक होम अबाउट। एंड मैचअप्स ठीक ठाक है तो मे बी स्टार्टिंग में कुछ रन कर पाए। एज याद रखिए कि एज फार एज QDK की बात की जाए तो सामने जो बोलर्स फेस करेंगे, अर्शदीप को अगर खेल के निकाल लिया तो ही माइट बी एबल टू प्ले। तो ये हुई QDK की बात एंड ऑफकोर्स रिस्क मीटर थोड़ा सा बढ़ा दिया वहां पे क्योंकि रिस्क तो वो लेते ही हैं। अब चलते हैं KL राहुल की तरफ, ऑफकोर्स कम इतना रिस्क नहीं लेते हैं क्विंटन डिकॉक, नंबर्स भी ठीक ठाक वर्सेस PBKS 33 का एवरेज, मिडलिंग एवरेज कह सकते हैं, बट कीपिंग करेंगे तो वैल्यू वहां पे बढ़ जाएगी। साथ साथ में एट लखनऊ 52 का एवरेज, सो वेरी गुड नंबर्स, आप रिस्क तो इन पे लेंगे नहीं एटलीस्ट स्मॉल लीग में नहीं।
देवदत्त पार्डिकल 7 मैचेस 169 रन्स 24 का एवरेज, तो कुछ खास नंबर्स नहीं, डोमेस्टिक फॉर्म काफी अच्छा था, बट ट्रेंट बोल्ट ने उनको थोड़ा सा रैटल किया लास्ट गेम में, वो बाउंसर उनके सर पे लगी फिर नेक्स्ट बॉल पे वहीं पे आउट हो गए, बट अगर जल्दी आते हैं इनिंग्स में तो अच्छा ये परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा सामने वाली टीम की पेस बोलिंग बहुत बड़ी कंसर्न है, इनफैक्ट मैं कहूंगा इन दोनों टीम के लिए पेस बोलिंग एक प्रॉब्लम है, उनको स्ट्रेंथ बोलिंग की तरह स्पिन बोलिंग की तरफ ही अपनी स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी। कगिजो रबाडा के अलावा ऐसा कोई अच्छा खासा नाम नहीं, अजदीप भी अप एंड डाउन चल गए थोड़े बहुत। अब चलते हैं निकोलस पुरान की तरफ, 4 मैचेस 85 रन वर्सेस पीबीकेएस, ये टीम के लिए खेल चुके हैं पहले एट लखनऊ, 8 मैचेस में 89 रन, तो कुछ खास नहीं, बट मैं जो वेन्यू वाले नंबर्स है उस पर इतना फोकस नहीं करूंगा क्योंकि पिच फ्रॉम देन एंड नाउ काफी बदल चुकी है, तो एट लखनऊ वाले नंबर्स पे आप इतना फोकस नहीं करेंगे इस गेम में तो चलेगा। आयुष बदोनी की बात की जाए तो ऐसे प्लेयर हैं जो पसंद करते हैं स्टार्ट से आके ही मारना, तो जब ये थोड़ा जल्दी आ जाते हैं तो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जैसे हमने लास्ट गेम में देखा, प्लस कभी कभार ऑफ स्पिन के साथ भी चिप इन कर सकते हैं। 3 मैचेस 52 रन वर्सेज पीबीकेएस एट लखनऊ, 7 मैच में 94 रन 31 के एवरेज पे, तो ठीक ठाक नंबर्स हैं, पहले बैटिंग करें तो जीएल में ट्राई करिएगा। मार्कस टोइनिस 9 मैचेस 251 रन 50 का एवरेज और 4 विकेट ले चुके हैं पंजाब के सामने, ये भी पहले पंजाब के लिए खेल चुके हैं एट लखनऊ, 7 मैचेस 145 रन 2 विकेट्स, बट इनका अपॉर्चुनिटी मीटर यहाँ पे लो क्यों हो गया क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में बॉलिंग की ही नहीं। अब क्यों नहीं की इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट ठीक ठाक प्लेयर है, डेफिनेटली आप स्मॉल लीग में ले सकते हो। अब मुझे एक्सपेक्टेशन यही कि इस गेम में तो ओवर इन्हें मिलने चाहिए, लास्ट गेम में पता नहीं क्या सीन था। रूनल पांड्या वर्सेस पीबीकेएस 14 मैचेस में 160 रन 8 विकेट्स, तो ठीक ठाक नंबर्स है दैट टाइप ऑफ प्लेयर जो 20 रन और 1 विकेट आपको दे सकते हैं ऑन डे एट लखनऊ, 8 मैचेस 153 रन 6 विकेट्स, तो ठीक ठाक नंबर्स डेफिनेटली मेरी बेस्ट टीम में रहेंगे। लखनऊ में हमें पता है कि अगर वो लो बाउंस रहा तो बहुत डेंजरस होंगे, यही हेंस इस बात का ध्यान रखिएगा कि विथ क्रूनाल दैट विल ऑलवेज बी अ डेंजर फैक्टर एंड पंजाब जानी जाती है कोलैप्स करने के लिए। रवि बिश्नोई एक और प्लेयर जो पहले पंजाब के लिए खेल चुके हैं वर्सेस पंजाब, 3 मैचेस 5 विकेट्स एंड एट लखनऊ 7 मैचेस 9 विकेट्स, एंड अगेन जिस तरीके की पंजाब की मिडिल ऑर्डर है इनका दिन बहुत बड़ा हो सकता है। जीएल में कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी चॉइस बिल्कुल बनेंगे, स्पेशली अगर ट्रैक में कुछ भी टर्न रहा। नवीन उलक 1 मैच में 3 विकेट वर्सेज पंजाब एंड एट लखनऊ 7 मैचेस 9 विकेट, फर्स्ट बोलिंग सेकेंड बोलिंग दोनों मैंने लेके जाएंगे, इनके सबसे एक्सपीरियंस पेसर यही है। मोहसिन खान ठीक ठाक खेले हैं पहले ये, इनके पास जो वो नेचुरल एंगल है वो काफी डिसेप्टिव है जो जॉनी पेस्टो को मे भी थोड़ा परेशान कर जाए, धवन भी क्या पता कीपर को एज कर जाए अगेंस्ट हिज बोलिंग, उस तरीके की बोलिंग है इनकी, तो डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग। एंड मैं कहूंगा अभी स्टार्टिंग में कोई भी साइन मिलेगी मूवमेंट है तो फिर ये और यश ठाकुर दोनों डबली डेंजरस हो जाएंगे। यश ठाकुर ने पंजाब के लास्ट टाइम 4 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं एट लखनऊ, 3 मैच में 3 विकेट्स, तो आई थिंक दोनों वर्दी फॉर कंसिडरेशन क्योंकि पंजाब की जो बैटिंग है इन कंपेरिजन टू लखनऊ थोड़ी सी वीकर है। मेरे हिसाब से ये गेम वही होगा कि कैसे जाती है पंजाब की बॉलिंग वर्सेज लखनऊ बैटिंग, तो अब चलते हैं towards that side of things। उसके पहले सीरीज लीडरबोर्ड में इंश्योर करें कि आप मल्टीपल टीम्स के साथ पार्टिसिपेट करें ताकि आपका रैंक ऊपर जाता रहे। सिर्फ 75,000 स्पॉट्स की ग्रैंड लीग है यहाँ पे, तो अच्छा खासा मौका है टू मेक बेस्ट यूज, इंश्योर दैट यू साइन अप, ऐप का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलते हैं पंजाब किंग्स की तरफ वर्सेज एलएसजी, शिखर धवन बहुत ही कंसर्निंग नंबर्स, 2 मैच में सिर्फ 6 रन, एंड हमें पता है कि लास्ट गेम में भी इन्होंने 40 odd मारा था बट ठीक ठाक फ्लो में नहीं लगे वो मेरे हिसाब से, तो पिक कर सकते हैं बट मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक है। जॉनी बेस्टो अब लास्ट 2 गेम से आईपीएल में इनका फॉर्म अच्छा नहीं रहा बट उसके पहले अच्छा करके आ रहे हैं वर्सेस लखनऊ, 1 मैच में 32 रन, एंड ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कि अगर ये चल गए तो आपका दिन वहीं पे खत्म हो जाएगा। शिखर जैसे हमने लास्ट गेम में देखा बहुत लोग छोड़ के आए थे, 40 रन मारे बट ऐसे नहीं था कि बाउंड्री पे बाउंड्री मार रहे थे, तो अगर आपने उन्हें नहीं भी लिया तो वहां पे आप कवर अप कर गए थे लास्ट गेम में, बट वे जॉनी बेस्टो वही एक प्रॉब्लम है कि उन्हें आप डायरेक्टली छोड़ नहीं सकते। प्रभसिमरन सिंह वर्सेज एलएसडी, 2 मैच में 13 रन, डोमेस्टिकली इस ग्राउंड पे खेल चुके हैं 5 मैचेस 165 रन 41 का एवरेज, तो ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पे, बट वापस सामने जो बॉलर्स हैं इनके लिए लाइफ आसान नहीं करेंगे स्पेशली अगर ये रवि बिश्नोई के सामने जल्दी आ गए। लियम लिविंगस्टन 2 मैचेस 41 रन 1 विकेट, ऐसे टाइप के प्लेयर हैं कि आएंगे, ही विल ब्लो हॉट सम डेज ब्लो कोल्ड ऑन अदर डेज,
मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मे बी इनकी बोलिंग भी थोड़ी यूज की जाए इस मुकाबले में। सो लेट्स सी, ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंड अपॉर्चुनिटी वैल्यू छोड़ना काफी मुश्किल। जितेश शर्मा मेरे लिए एक और की कीपिंग चॉइस, बहुत लोग इन्हें इग्नोर करेंगे क्योंकि आपके पास है डिकॉक, पुरान, राहुल, इनका भी टच कुछ खास लगा नहीं लास्ट गेम में। आरसीबी के सामने कुछ रन करके आ रहे हैं बट एक दो बार बचे, एक ऑलमोस्ट कैच हो गया, एक इनसाइड एज था, तो वो हिसाब से फ्लो इनका भी कुछ खास लगा नहीं है। सैम करन अच्छे फॉर्म में आ रहे हैं विद द बैट, विद द बॉल अभी भी क्वेश्चनेबल। वर्सेस एलएसजी 2 मैचेस 27 रन एंड 4 विकेट, तो अच्छे नंबर्स वहां पे हैं। नाइट लखनऊ एक मैच में 3 विकेट्स पहले ले चुके हैं, तो डेफिनेटली आप इन्हें पिक करोगे क्योंकि ये अब ऊपर भी आने बैटिंग में। कभी ए पहले गेम में 1 ओवर किया बट लास्ट गेम में ज्यादा ओवर्स किए, तो वो हिसाब से जितना वेरियंस है एंड जितना इनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन द गेम, आप इन्हें छोड़ना तो प्रेफर नहीं करोगे। हरप्रीत ब्रार बहुत ही शार्प स्पिनर है, यहाँ पे अगर थोड़ी लो बाउंस हुई इनका जो एक्शन है उससे उन्हें वहां पे पिक करना बहुत ही ट्रिकी हो जाएगा। एक मैच में 1 विकेट वर्सेस एलएसजी एंड 5 मैचेस 5 विकेट वर्सेस लखनऊ एट लखनऊ, और याद रखिए डाउन दी ऑर्डर आके थोड़ी सी हिटिंग भी कर सकते हैं ये। हर्षल पटेल अगर इस पिच पे थोड़ी सी भी होल्ड रही, स्लोनेस रही, तो इनकी बॉलिंग भी बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। वर्सेस एलएसजी 4 मैचेस 6 विकेट्स एंड एट लखनऊ 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट, बट बिल्कुल इनके लिए भी जगह जब आपको पिक करना है पिच रिपोर्ट जरूर सुनिएगा एंड वो हिसाब से इन पे कॉल लीजिएगा। राहुल चहर लेगी वापस आईपीएल में, इनका लास्ट 2 मैचेस से फॉर्म खास नहीं रहा है बट उसके पहले अच्छे फॉर्म से आ रहे, तो मे बी आप बैक कर सकते हो ऐसे ट्रैक पे क्योंकि अगर यहाँ पे वापस कुछ भी हेल्प रही फॉर टर्न तो इनके जैसे बॉलर को यहाँ पे काम कर लेना चाहिए। वर्सेस एलएसजी 3 मैचेस 2 विकेट्स एंड लखनऊ में एक ही मैच खेला है अब तक। रबाडा बहुत ही अच्छे नंबर्स, वर्सेस एलएसजी 3 मैच में 8 विकेट्स एंड एट लखनऊ 1 मैच में 2 विकेट्स, तो ठीक ठाक नंबर्स यहाँ पे, डेफिनेटली इन्हें भी पिक किया जाएगा। एंड द बेस टीम वर्सेस आरसीबी एक ही शाइनिंग लाइट थी इनकी पेस अटैक की, वो थे कगिजो रबाडा। अर्शदीप सिंह वापस बहुत ही कंसर्निंग नंबर्स, ऑफ लेट कुछ खास लगे नहीं है। 3 मैचेस 2 विकेट्स वर्सेस एलएसजी एंड एट लखनऊ 6 मैच में सिर्फ 4 विकेट, तो जितने कीपिंग एंड बोलिंग ऑप्शंस हैं मे बी अभी के लिए तो इन्हें पिक करना मुश्किल होगा बेस्ड ऑन फॉर्म, बट हमें पता है कि अगर उनका दिन हुआ तो 4 से 5 विकेट ले जा सकते हैं, तो आप जी अज में बिल्कुल इन्हें लोगे बट फॉर्म के बेसिस पे पिक करना मुश्किल होगा स्पेशली इस बोलिंग सेकेंड। तो ये हुई बात आज के प्लेयर्स की, अब चलते हैं आज के मैचअप की तरफ। केएल राहुल वर्सेस रबाडा 50 ऑफ 36, 3 बार आउट हुए हैं, डेफिनेटली अ मैचअप टू वॉच आउट फॉर। लियम लिविंगस्टन वर्सेस कृणाल पांड्या 9 ऑफ 13 एंड 1 बार आउट हुए हैं, स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं। केएल वर्सेस अर्शदीप 94 का स्ट्राइक रेट बट 1 बार आउट हुए हैं, वाइल निकोलस पुरान वर्सेस नेथन एलिस, अब अगर नेथन एलिस ये गेम खेलते हैं तो इस मैचअप का अच्छा खासा ध्यान रखिएगा क्योंकि पुरान वही फेज में बैटिंग करेंगे जब एलिस बॉलिंग करेंगे। 2 ऑफ 9 एंड 2 बार आउट हुए हैं, तो जब आप अगर आपको पुरान पे रिस्क लेना है, अगर एलिस खेल रहे हैं तो ये आपके लिए मे भी एक साइन हो सकता है कि आप पुरान पे मे भी चांस ले लो स्पेशली ग्रैंड लीग में। तो ये हुई आज की डिस्कशन, अब बनाते हैं हमारी बाकी की टीम जो जो मिसिंग पॉइंट्स थे उस पजल में। तो कीपिंग सेक्शन से केएल राहुल एंड निकोलस पुरान बेस्ड ऑन फॉर्म दोनों को लेके जाओगे। शिखर धवन क्योंकि स्टेबली खेल रहे हैं तो फैंटेसी वैल्यू तो आपको देके ही जा रहे हैं। ऑलराउंडर्स में सैम करन, लियम लिविंगस्टन एंड क्रूनल पांड्या तीनों यहाँ से मैं, एंड बोलिंग सेक्शन से कगिजो रबाडा, रवि बिश्नोई, नवीन उलख एंड हर्षल पटेल अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली रहेंगे साइड में। अब जो लास्ट पीस है इस पजल में वो कौन फिक्स करेंगे, ये होंगे, ये होगा वो जो फाइनल कॉल। अब अगर अर्शदीप पहले बॉलिंग करते हैं इवन दो फॉर्म नहीं है बट क्योंकि जिस फेजेस में बॉलिंग करते हैं विकेट टेकिंग की चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, तो इफ दे आर बॉलिंग फर्स्ट आई विल गो विद हिम, इफ पंजाब इज बॉलिंग सेकंड मैं जाऊंगा विद हरप्रीत ब्रार। बहुत ही बड़ा रिस्क बट सामने लेफ्ट हैंडर्स अगर जल्दी आउट हो गए वहां पे तो इनका काम बन जाएगा। अगर आपको लग रहा है बहुत ही ज्यादा रिस्की है तो आपके पास सेफ चॉइस है यहाँ पे मार्कस टॉइनस, सिकंदर रजा खेलते हैं तो उनपे भी एक नजर बनाए रखिएगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइस की बात की जाए तो कैप्टनसी बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जितना इनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है इन द गेम, 2-3 ओवर डाल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं टॉप ऑर्डर में, तो सैम करन से ज्यादा दूर आप देख नहीं पाओगे। वाइस कैप्टनसी के लिए केएल राहुल मुझे काफी सेफ लग रहे हैं, एज मुझे लग रहा है कि जिस तरीके की बैटिंग करते हैं ये आपको 20-30 रन दे जाएंगे, प्लस कीपिंग कर रहे हैं तो कीपिंग से भी आपको वैल्यू मिली जाएगी। तो ये रही हमारे आज के टीम और पिक्स, अब देखते हैं कि ग्रैंड लीग में बाकी कौन से चॉइसेस आपके पास।
तो लो सिलेक्ट डार्क हॉर्स पिक बोलिंग फर्स्ट विल बी क्रूनल पांड्या हर्षल पटेल एंड इन बोथ सिचुएशंस क्रूनल पांड्या। हाई सिलेक्ट ड्रॉपरिस बॉम हर्षदीप सिंह स्पेशली अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं कुछ क्योंकि फॉर्म कुछ खास नहीं। एंड ग्रैंडली कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी चॉइसेस लियम एंड क्रूनल बोलिंग सेकंड बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड बोलिंग फर्स्ट रबाडा एंड हर्षल एंड दोनों सिनेरियोज में केएल राहुल एंड सैम करन। तो ये रहे हमारे आज के ग्रैंड लीग ऑप्शंस। आई होप आप सभी को ये प्रीव्यू पसंद आया हो। रिमेंबर टू जॉइन अस ऑन टेलीग्राम फॉर द फाइनल टीम्स एंड अपडेट्स एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ऑलवेज। बेल आइकन जरूर हिट करिएगा। जल्दी मिलेंगे और प्रीव्यू के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन।